आज हम लोग पशुपालन पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसके तो आता है भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी, तो चाय, नारियल, रबर और कहवा। ठीक है, उसके बाद आता है स्पंजी टिश्यू। स्पंजी ऊतक एक ऐसा गंभीर बीमारी है आम की फसल की, वो जिससे उसका निजात प्रभावित होता है। वो कौन सी, अल्फांसो आम की बीमारी होती है। फिर लद्दाख में बीमारियों के ऊन से बनाया जाता है, लद्दाख में बकरियों के ऊन से बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है, पश्मीना शाल बनाया जाता है। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरियों की संख्या, तो कौन सा, राजस्थान। प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन सा, राष्ट्रीय विपणन संस्थान नियाम स्थित है जयपुर में। फिर आता है मुक्त शिमूल्य आयोग APC की स्थापना 1965 में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर ऑफ मैराइन बायोडाइवर्सिटी ANCM स्थित कहाँ है, जामनगर में। कहाँ स्थित, जामनगर में। फिर आता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। फिर आता है भारत हीरा संस्थान अवस्थित है कहाँ है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, पंतनगर में। फिर आता है भारत हीरा संस्थान अवस्थित है सूरत में है। फिर आता है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कानपुर में है। फिर आता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ, नई दिल्ली में। फिर आता है अगला, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों का शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, जो स्थित है कहाँ, भोपाल में। फिर आता है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है कहाँ, हैदराबाद में। फिर आता है वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ, देहरादून में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ, काजरी अवस्थित है कहाँ, जोधपुर में। फिर आता है भारत में का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है कहाँ, देहरादून में। कहाँ अवस्थित है, देहरादून में। फिर आता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी संस्थान कहाँ, नागपुर में। फिर आता है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ, नागपुर में। खेती के लिए फसल चक्र का महत्व होता है, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है और मृदा कटाव कम होता है। फिर आता है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। ठीक है, उसके बाद आता है भारतीय वन्य जीव राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है, जयपुर राजस्थान में। और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। प्रथम भारत और द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र अंटार्कटिका में तीसरी स्थायी शोध स्टेशन कौन सी है, इस तो भारतीय है। ठीक है, इससे पहले कौन है, दक्षिणी भारती और मैत्री। ठीक है, ये थी और ये तीसरी भेजी है, मतलब तीसरी दक्षिणी भारत मैत्री और इससे पहले एक और थी। ठीक है, मैत्री और दक्षिण भारतीय अभी भेजिए। फिर फसल ये बहुत पुरानी हो गई है, 2017-18 में, 2017-18 के बाद आसपास भेजी थी। फिर फसल प्रणाली शोध निदेशालय स्थित है कहाँ, मेरठ में। फिर आता है अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन का नाम मैत्री है, देखिए आ गया यहाँ पे। फिर आता है भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, पश्चिमी से पूर्व की ओर होती है। ठीक है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन और संचार के विकास का विकल्प। कुसुम एक तिलहनी किस्म है, एक उसका वैज्ञानिक का कार्थमस टिक्टोरियस। फिर आता है जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने सर आप कहते हैं बियर कहते हैं। फिर प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किया जाने वाला टैग का रंग कैसा होता है, नीला। फिर आता है प्रमाणित बीजों के विशालतम हिमनद है कौन सा, ससाइन। फिर आता है औद्योगिकरण का अनुसरण करता है नगरीकरण। फिर आता है डायमंड हार्बर और साल्ट लेक स्थित है कहाँ, कोलकाता में। फिर आता है वह प्रदेश जिसका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है, तो ये भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 में कितना था, 14.2%। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक संकेतन है कहाँ, महाराष्ट्र में। फिर आता है एकाकी परिवार का माना जाना चाहिए एक प्राथमिक समूह, क्या माना जाए नहीं, प्राथमिक समूह। फिर आता है पवन एक स्थानीय पवन है किसके, स्विट्जरलैंड की। ठीक है, जो वहाँ क्या करती है, वहाँ पे पर्यटन को दुष्प्रभावित करती है ठंडी हवा, इसलिए। फिर वायुमंडल में ओजोन ठंडी है या गर्म है ये हमको ध्यान नहीं, प्रसाद ठंडी है। ठीक है, तो ये क्या स्विट्जरलैंड को पर्यटन को प्रभावित करती है। फिर आता है वायु में ओजोन परत होती है, पृथ्वी पर पराग्रणी किस वजह से जीवन की रक्षा करती है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 77.7। फिर गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो सुल्तानगंज में है। ठीक है, अभी यहाँ पे बनाया गया, कहाँ बनाया गया तो बता दीजिए, गंगा डॉल्फिन के लिए एक केंद्र भी खोला गया। फिर आता भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती से अग्रणी कर्नाटक। फिर दो मुख्य ऋतु वाली फसल के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल को लेना क्या कहलाता है, कैच क्रॉप कहलाता है। फिर आगे लेते हैं सुमेली ने कौन सा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन कब चलाया गया, तो जुलाई 2015 में चलाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जोधपुर में चालू हुई। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2014 में चालू हुआ। नवोन्मेष भारत 2018 में चालू हुआ। ठीक है, कथकली कहाँ का है, तो कृष्ण नायर ने स्टार्ट माने हुए कलाकार हैं, कुचिपुड़ी के राधा एवं राधा रेड्डी, भरतनाट्यम के यामिनी कृष्णमूर्ति और कथक के उमा शर्मा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पशुपालन और
आने की ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक चार सौ जरूर कर, धन्यवाद आपकी वीडियो देखने के लिए।